प्रीवियस वीडियो ने में मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 के हमने यूनिट 1 का स्टडी किया था। अभी इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यूनिट 1 के नोट्स प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपको इसके भी नोट्स चाहिए, पासिंग मतलब जो लेसन में किया गया है उस नोट्स डिस्क्रिप्शन में आप ढूंढ सकते हो। सेकेंड वन इज यूनिट 2, दैट इज एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अभी आपको ये समझना है एंटी एंजाइना मतलब क्या इस वीडियो के अंदर, और हम इस वीडियो के अंदर आज वैसोडाइलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। हाँ गाइस, एंटी एंजाइनल्स, देखिए एंटी एंजाइनल ये एक ड्रग है यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, ओके, अ सिम्टम ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज। मतलब एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी एक एंजाइना होता क्या है गाइस? एंजाइना इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय द नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। आपके कोरोनरी आर्टरीज का नैरो होना, उसी को हम एंजाइना कहते हैं। चेस्ट पेन इज इट्स मेन सिम्टम, इसका मेन सिम्टम है चेस्ट पेन। और स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, दो तरह के एंजाइना पेक्टोरिस होते हैं, वो दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले देखिए एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, आप समझिए। एंजाइना पेक्टोरिस देखो, ये जो हमारा नॉर्मल हार्ट है और आर्टरीज है, नॉर्मल जैसे हमारे या तुम्हारे हो, मतलब ये नॉर्मल ही है। और ये देखिए आफ्टर इफेक्टेड विद द प्लेग, मतलब अगर प्लेग डेवलप हो गया आर्टरीज के अंदर, आपको येलोइश तरह का दिख रहा है ना, वो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द प्लेग कोलेस्ट्रॉल। अब एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर होता क्या है, आप देख रहे होंगे, देखिए गाइस इधर एक स्टेबल प्लेग जमा हो जाता है, स्टेबल प्लेग जमा हो जाता है, जिससे आपके वेजल्स या जिससे आपके आर्टरीज नैरो हो जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द प्लेग। ओके, अगर उस प्लेग को नहीं हटाया गया तो एक समय में वो प्लेग जाकर आपका हार्ट अटैक भी कॉज कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर देखिए, वैसोडाइलेशन इज द वाइडनिंग ऑफ द ब्लड वेजल। हम वैसोडाइलेटर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ब्लड वेजल्स को वाइड करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी देखो मैं आपको बताया था, अगर आपके हार्ट में वेजल्स में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर रहा है, तो आपके हार्ट वेजल्स के अंदर इस तरीके का ब्लॉकेज हो जाएगा। अभी ब्लॉकेज को हटाने के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, हमको जो है ना इस वेजल्स को डाइलेट करना है, मतलब फुलाना है, चौड़ा करना है। आप किस तरीके से चौड़ा कर सकते हो, किस तरीके से उसको नैरो ब्रॉड कर सकते हो, देखिए बाय गिविंग द वैसो डाइलेटर्स। बहुत सारे मेडिसिन है, अमॉन्ग देम वैसो डाइलेटर्स इज सेलेक्टेड वन। वैसो डाइलेशन इज अ वाइडनिंग ऑफ द ब्लड वेजल्स, इट रिजल्ट फ्रॉम रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स विद इन द वेजल वॉल्स, इन पर्टिकुलर इन द लार्ज वेन्स, लार्ज आर्टरीज, स्मॉलर आर्टरियोज। देखिए मेनली ये जो वैसोडाइलेटर्स का काम, ये जो है ना वेन्स के ऊपर किया जाता है और आर्टरीज के ऊपर और स्मॉलर आर्टरियोज के ऊपर भी इनका एक्शन होता है। दिस प्रोसेस इज अपोजिट ऑफ वैसो कंस्ट्रक्शन विच इज नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। वैसोडाइलेट मतलब अपोजिट टू द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का अपोजिट ही वैसोडाइलेटर है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, सिम्टम्स होते क्या है एंजाइना पेक्टोरिस के, ठीक है, स्वेटिंग एक सिम्टम है, वीकनेस एक सिम्टम है इसका, एंजाइना पेक्टोरिस का, डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, देन आपका स्किन येलो होने लगता है, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नोजिया, वोमिटिंग, इनडाइजेशन। टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, स्टेबल और अनस्टेबल। अब स्टेबल एंजाइना हाई क्या, इट इज अ क्लासिकल फॉर्म ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस वेयर इन द कॉज ऑफ पेन इज प्रेडिक्टेबल। मतलब आपको हार्ट के अंदर सीवियर पेन होगा, जिस पेन को हम महसूस कर सकेंगे, मतलब प्रिडिक्टेबल। इट अकर्स ड्यूरिंग द सीवियर एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस, हैंस इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एक्सर्शनल एंजाइना। ये जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तब हमको ये पेन पता चल जाता है। अनस्टेबल, इट इज़ अ न्यू और द सडन वर्सलिंग प्रीवियस एंजाइना, रेयर फॉर्म ऑफ एंजाइना वेयर द चेस्ट पेन मे अकर्स इवन व्हेन द पर्सन इज एट रेस्ट। देखिए अनस्टेबल एंजाइना का होता क्या है, जब पर्सन एक रेस्ट में रहता है तभी भी उसको एक सडन तरीके का पेन महसूस होता है, ठीक है, पेन, क्योंकि ब्लॉकेज हो जाता है ना हार्ट के अंदर, हार्ट वेजल्स के अंदर, इसलिए। नेक्स्ट गाइस, वैसोडाइलेटर्स अगर हम बात करें वैसोडाइलेटर्स के,
चंद वैसोडाइलेटर्स है इधर। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमाइल नाइट्राइल एक वैसोडाइलेटर है। ओके अमाइल नाइट्राइल आपको दिख रहा है CH3, फर्स्ट CH3 CH3 है, देन ON(O), मतलब ये जो है ना ये एक नाइट्रो कंपाउंड है। क्यों नाइट्रो कंपाउंड्स, आपको दिख रहा होगा आसान से आप इसको नाइट्रो कंपाउंड्स कह सकते हो क्योंकि ON है, डबल बॉन्ड O है। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन भी एक तरीके का एक वैसोडाइलेटर है जो आपके वेजल्स को डाइलेट कर कर आपका BP लेवल नॉर्मल करके हार्ट वेजल्स के अंदर कुछ ब्लॉकेज हो गया तो ब्लॉकेज को भी ये सही से ठीक कर देता है। आपको दिख रहा होगा देखिए नाइट्रो NO2, 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 आपको बहुत सिंपल तरीके से आपको याद रखना है ये CH2O, CH2O, CHO, CH2O, फर्स्ट स्टार्टिंग में CH2O है, देन CHO है, उसके बाद में जो है ना CH2O है, आखिर में आपको सबको CNO2, NO2, NO2 लगाना है। ये हो गया हमारा नाइट्रोग्लिसरीन। अभी ये जो है ना नेक्स्ट लॉन्ग एक्टिंग कंपाउंड्स, इसके अंदर आइस ऑर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट जिसका हम सिंथेसाइज भी बात करेंगे, हाँ इसका भी हम सिंथेसाइज देखेंगे नाइट्रोग्लिसरीन का, और आइस ऑर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट इसका भी हमने सिंथेसाइज को देखना है और SAR को भी देखना है। देन आपको आइस ऑर्बिट्रेट मोनोनाइट्रेट को भी देखना है। देखो डाइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट में फ़र्क क्या है, डाइनाइट्रेट मतलब NO2 है इधर NO2, NO2, इसलिए हमें डाई कहा जाता है, मोनो मतलब एक ही ONO2 है इसलिए इन्हें मोनोनाइट्रेट कहा जाता है। देन डाई पाइरीमिडाजोल, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है डाई पाइरीमिडाजोल का, इधर देखिए एक स्ट्रक्चर सीधा बना हुआ है और एक स्ट्रक्चर नीचे उल्टा बना हुआ है, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, आपको दो तरह के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है, ऊपर दो और ये दो स्ट्रक्चर्स जो फ्यूज्ड है, दो फ्यूज्ड स्ट्रक्चर, और आपको जो है ना ये एक अल्काइल ग्रुप्स को बना लेना है, समझो। आप देखिए देख देख के आपको ट्रिक्स याद रख के पढ़ना है। नेक्स्ट नाइट्रोग्लिसरीन, ये हो गया हमारा नाइट्रोग्लिसरीन। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो डायग्राम, मगर मेरे अंदाजे में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो बेहतर है कि आएगा कि आप यही लिखिए, कौन सा इस वाला, ये तो बहुत ही आसान है ना, आपको यही को प्रेफर करना है, कौन सा आसान है उसको आप प्रेफर करें। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें, ये जो है ना मतलब ये नाइट्रोग्लिसरीन कंपाउंड्स, कन्वर्शन ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन इंटू नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर टर्न होता है बाय माइटोकॉन्ड्रियल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, बॉडी के अंदर ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना नाइट्रोग्लिसरीन को नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। हियर नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, नो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट्स एंजाइम ग्यूनलाइट साइक्लेस, ये जो है ना ग्यूनलाइट साइक्लेस को एक्टिवेट कर देता है, दिस एक्टिवेट द सिंथेसिस ऑफ द साइक्लिक ग्यूनोसिन 3,5 मोनोफॉस्फेट। यह नाइट्रिक ऑक्साइड फर्स्ट जाके एंजाइम ग्लूलाइट साइक्लेस को एक्टिवेट कर देता है, देन दिस फर्दर एक्टिवेट्स द सिंथेसाइज ऑफ द साइक्लिक ग्यूनोसाइन, इसकी बदौलत पर ड्यू टू दिस देर इज एन एक्टिवेशन ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन काइनेस डिपेंडेंट फॉस्फोरिलेशन इवेंट्स इन द स्मूथ मसल, उसके बाद में होता क्या है रिलैक्सेशन अकर्स हो जाता है। आपको इतना ही याद रखना है गाइस, देखिए बहुत ही सिंपल सा एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, फर्स्ट होता क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड को बॉडी के अंदर लाया जाता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट कर देगा एंजाइम ग्लूनाइट साइक्लेस को, ये एंजाइम ग्लूलाइट साइक्लेस जो है ना साइक्लिक ग्यूनोसिन 3,5 मोनोफॉस्फेट को एक्टिवेट कर देगा। ये करते क्या है, ये जो है ना ये एक्टिवेट कर देते हैं प्रोटीन काइनेस को, प्रोटीन काइनेस अगर एक्टिवेट हो गया तभी आपका रिलैक्सेशन अकर होगा, मतलब रिलैक्सेशन इज कॉज इन द स्मूथ मसल ड्यू टू डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ द माइसिन लाइट चेंज ऑफ द स्मूथ मसल ड्यू टू विच देर इज इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो इन वेन्स आर्टरीज एंड कार्डियक मसल। अगर रिलैक्सेशन हो गया मतलब रिलैक्सेशन होता कैसे है, इट इज़ ड्यू टू द डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ द माइसिन लाइट चेन, उसके बाद में हार्ट हैज़ टू डू लेसर वर्क एंड ब्लड प्रेशर एंजाइना टेंशन ऑल्सो रिड्यूसेस देर इज इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द मायोकार्डियम, आपका ब्लड फ्लो के अंदर भी जो है ना बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए आपको बताता हूँ मैं, सिंपल है, फर्स्ट ये करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ मैं गाइस, ये देखिए नाइट्रोडाइलेटर्स नाइट्रिक ऑक्साइड को सेंड कर देते हैं, फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड करता है GTP और GMP को बढ़ा देगा, GTP और GMP अगर बढ़ गए तभी होता क्या है, ये जो है ना GTP और GDP बढ़ गए तो MLCK और MLCKP इनका घट जाता है, तभी
जीडीपी और जीएमपी अगर बढ़ गए तो एमएलसीपी और एमएलसीके का घट जाना ही बेहतर है। अगर ये घट गया तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, रिलैक्स होगा। उसकी बदौलत पर ये करते क्या है, कैल्शियम को अंदर आने नहीं देंगे, कैल्शियम को ब्लॉक कर देंगे ये लोग, कैल्शियम को ब्लॉक कर देंगे। अगर ऑटोमेटिकली कैल्शियम ही अंदर नहीं आया तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, उसके आपका मसल जो है ना रिलैक्स हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? यस। नेक्स्ट आपको सिंथेसाइज करना है नाइट्रोग्लिसरीन को। सिंपल, व्हेन ग्लिसरॉल इज मेड टू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तभी हमको जाकर नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रोडक्ट मिल जाता है दोस्तों। मेडिसिनल यूजेस, नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अंजाइन एंड चेस्ट पेन ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, प्री ऑपरेटिव हाइपरटेंशन के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, देन अक्यूट हार्ट फेल्यूर, पेन कॉज बाय द एनल फिशरीज, प्रिवेंशन ऑफ द अक्यूट अंजाइन अटैक्स, इन तमाम चीज़ों के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन कंपाउंड्स का या किसी भी तरह के नाइट्रो ग्रुप्स का। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, लाइटेडनेस, फ्लशिंग, एलर्जिक रिएक्शंस, ये सभी साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, आइस ऑर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट। गाइस, आइस ऑर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट ये भी एक तरीके का, मतलब इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए? फॉर डाइलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, आइस ऑर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट। अभी इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना है आपको। आई सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उधर देखे थे, मतलब जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन का अंदर जाना, वो नाइट्रोग्लिसरीन जाके नाइट्रो ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करता है, ओके, साइक्लिक जीएमपी, साइक्लिक जीएमपी जाके मायोसिन काइनेस को इनहिबिट कर देता है। अगर मायोसिन काइनेस, मतलब ये मायोसिन मसल्स का एक्टिवेट होना बंद हो गया, तो जो है ना वो मायोसिन काइनेस आपके हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन हो जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना है। सेम मैकेनिज्म ये होगा हमारा सिंथेसाइज की। अगर बात करें गाइस, तो हेक्जेन 1.2.3.5.6 हेक्सोल, देखो आप OH, ये आपको दिख रहा है, ये जब 4-मिथाइल बेंजिल सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्ट हो जाएगा तभी एक प्रोडक्ट बचेगा, उसको आइसॉर्बाइड बोलते हैं। जब ये आइसॉर्बाइड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड पर रिएक्ट होगा तो आइसॉर्बाइड डाई नाइट्रेट कहा जाता है, आइसॉर्बाइड डाई नाइट्रेट। इधर देखिए, आपको ONO2 लगाना है, ONO2 लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में, तभी आप सिंपल आइसॉर्बाइड डाई नाइट्रेट को बना सकेंगे। आइस मेडिसिनल यूजेस, ये एंजाइन पेक्टोरिस के अंदर इस्तेमाल होता है। साइड इफेक्ट्स, डिजीनेस, हेडेक, फ्लशिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, एलर्जिक रिएक्शंस, ये सभी साइड इफेक्ट्स है इस आइसॉर्बिट्रेट डाइनाइट्रेट के। हाँ गाइज, ये हो गया हमारा नाइट्रो ग्रुप्स, नाइट्रो कंपाउंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में डिस्कस करना है। ओके, वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है इन नोट्स को। अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन तो दबा के ही जाइए। थैंक यू।